नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन कैद सोमेश्वर महादेव को निकालने की मुहिम। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन दुर्ग के उपस्थित सोमेश्वर धाम मंदिर में बरसों से कैद सोमेश्वर महादेव के गेट खोलने की मुहिम कई वर्षों से चल रही है। ये दरवाजे वर्ष में एक बार सिर्फ शिवरात्रि पर खोले जाते हैं। पिछले वर्ष कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शहर में कथावाचन करने आए थे और उन्होंने कहा था कि अब महादेव मुक्त होना चाहिए। तभी से शहर के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने रामेश्वर धाम मंदिर के द्वार खोलने की मुहिम चला रखी है। यह मंदिर पर्यटन विभाग के अंडर में आता है। वैसे शहर के कुछ लोग बड़े सवेरे वहां भ्रमण करने भी जाते हैं, साथ में मंदिर के बाहर से दर्शन भी कर लेते हैं। 24 जुलाई 2023 को कुछ संगठन इसके लिए एक मुहिम छेड़ रहे हैं। इसी तारतम्य में शहर के कुछ लोगों से चर्चा की। लोगों ने कहा द्वार तो खुलना चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी बार अभी तक उस मंदिर के दर्शन करने गए हो, तो किसी ने कहा कि हम साल में एक बार जाते हैं, किसी ने कहा कि पूरे जीवन में हम 2 या 3 बार गए हैं। शहर के सर्राफा व्यवसाय करने वाले संजय सोनी कहते हैं, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और कई लोगों ने इसके लिए मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आप कितनी बार गए हो, जवाब में उन्होंने कहा कि साल में 1 या 2 बार। एक और व्यवसाय अशोक खरे कहते हैं, वहां नियमित पूजन हो, दर्शनार्थी जाएं तो खोलने का कोई औचित्य है। पत्रकार विनीत महेश्वरी कहते हैं, मंदिर के द्वार खुलना चाहिए। पहले वह रोज उपम मंदिर जाते थे, लेकिन अब कभी कभी जाते हैं। वैसे उनका कहना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारी कमलेश बेलानी भले ही अपने जीवन में 2 या 3 बार ऊपर के किले पर दर्शन करने गए हैं, लेकिन चाहते हैं मंदिर के द्वार खुले। वह कहते हैं, मैं व्यापारी हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। ज्ञातव्य हो कि इस मंदिर पर जाने के 2 मार्ग है, या तो सीढ़ियों द्वारा या फिर पीछे के रास्ते से, जहाँ सीढ़ियाँ नहीं है, कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। पिछले वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आम सभा में कहा था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किले पर रोपवे लगवाया जाएगा, लेकिन वह आम सभा की बात थी, इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी ऊपर ताले खोलने के पक्ष में है और वह भी पिछले वर्ष किले पर गए थे और उन्होंने जोर शोर से मांग की थी कि यह ताले खोले जाए, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। यूं तो यह आस्था का प्रश्न है, यदि मंदिर के ताले खुलते हैं और सरकार यदि ध्यान देती है, तो रायसेन किला जो बरसों से उपेक्षित है, एक पर्यटन का अच्छा स्थल बन सकता है और कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। देखना यह है कि रायसेन के हिंदूवादी संगठनों की आवाज़ पर्यटन विभाग तक पहुँचती है या यह मुद्दा यूं ही ठंडा पड़ जाएगा। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। रायसेन किले के ऊपर स्थित सोमेश्वर धाम मंदिर के दरवाजे खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? जी बिल्कुल खुलना चाहिए, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर तो लगभग हमारे रायसेन जिले के बहुत सारे लोगों ने कहा है कि खुलना चाहिए और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कह गए हैं कि यहाँ की जो ताले हैं खुलना चाहिए। सरकार से मैं बिल्कुल निवेदन करता हूँ के इस मंदिर के जो ताले हैं वो बिल्कुल खुले। अब जाने को देखिए, जाने को तो से जैसे अधिकतर कभी सुबह में इन जाते हैं बहुत सारे ग्रुप। नहीं नहीं, महीने में आप कितनी बार जाते हो ये बताइए आप। महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं, बाकी साल में 1 बार जाने का मौका मिलता है जब खुलता है। बाकी इससे तो कभी मौका मिलता नहीं कि हमेशा मंदिर खुला हुआ हो, हम हमेशा जाकर के दर्शन कर ले। वो ऐसा मौका जब भी पड़ता है। खुद ही साल में 1 बार जाते हो तो फिर ऐसे कितने लोग होंगे जो ऊपर जाएंगे, ऐसे खोलने से क्या फायदा होगा बताइए आप। नहीं, खोलने से फायदा जरूर होगा, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और इसमें मैं समझता हूँ रायसेन लोकल नगर से जो भी लोग हैं वो तो बहुत इच्छुक हैं और इससे हट के हमारे जिले से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मंदिर के ताला खुले। और भोलेनाथ का दरबार है, हम चाहते हैं हमारे सावन सोमवार चल रहे हैं बढ़िया, इस टाइम पर भी खुल जाए। तो रोज कितने लोग जा सकते हैं? मेरे ख्याल से अंदाज से तो 50 से 60 लोग तो जाते, क्योंकि इससे आधी संख्या तो हमारे जो पर डे लोग जो किले पर जा रहे हैं, 25 से 30 लोग के लगभग तो किले पर ही जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि कम लोग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिकतम लोग जनता की आस्था का विषय है और हमारे रायसेन शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ किले पर सोमेश्वर धाम मंदिर है और वहाँ शिव जी का मंदिर है और हम 100% ये सहमति को उसे खुलना चाहिए, उसमें नियमित रूप से पूजा होना चाहिए, उनका समय समय पर अभिषेक होना चाहिए। हम पूर्णतः सहमत। आप कितनी बार जा चुके हैं उस मंदिर में अभी तक? हम 2-3 बार वहाँ गए हैं, लेकिन हर बार जब भी गए हैं तो वहाँ शिवरात्रि पे तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जब देखो तब बंद मिलता है। जब आप ही खुद 2-3 बार गए हैं इतनी उम्र में, तो आप और लोग कैसे जाएंगे? उसका कारण क्या है सर? देखिए, हम लोग क्या है, थोड़ा सा व्यापारी वर्ग है, थोड़ा सा समय हम लोग को इतना मिलता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो जाते रहते हैं, अब व्यापार में थोड़ी व्यस्तता रहती है। सुबह काहे की व्यस्तता रहती है भाई साहब? सुबह 6 बजे से काहे की व्यस्तता है?
दुकान तो 10-11 बजे खुलती होगी। वो ठीक है आपका कहना, लेकिन क्या होता है सुबह मॉर्निंग वॉक का जो टाइम होता है या उस टाइम पर अपन लोग नहीं कर पाते, कारण क्या रात को देर से सोना हो पाता है, ऊपर मॉर्निंग पर दूसरे कर लेते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपन किले पे चढ़ के जाएं और वहां जाके अपन वो दर्शन करें या वहां जाके ये सब नहीं। जैसा आप केयर सोच रहे हैं, सब लोग सोचेंगे तो क्यों ऊपर जाना, फिर खोलने से क्या मतलब है? जाने का मकसद अलग होता है, जाना किले पे चढ़ना एक अपनी अपनी सेहत पे भी डिपेंड करता है, अपने अपने शरीर। नहीं, बात सेहत की हो नहीं रही, बात इससे मंदिर की हो रही है। मंदिर पे खुलना चाहिए। अरे तो पूजा पाठ कौन करेगा साहब, जब सब लोग यही सोचेंगे आप जैसा? नहीं नहीं, पूजा पाठ करने के लिए जनरेशन है, पुजारी रखना चाहिए वहाँ पे, वो पूजा करेगा। जब बाग खुलेगा तो नहीं रुक जाएंगे भी लोग, अभी जाके क्या करेंगे वहाँ पे? जब वहाँ जाते हैं तो मंदिर बंद मिलता है अपन को, कुछ वहाँ से बाहर से दर्शन करके चले आते हैं, वो जब मंदिर नियमित रूप से खुलेगा तो लोग जाना आना होगा। सुझाव यही है कि अगर पूजन पाठ ढंग से हो सके, लोग श्रद्धा से वहाँ जा सके तो खुलने का कोई मतलब है, वरना कोई फायदा जैसा है वैसे इच्छा। क्या नाम लिखते हैं आप? सोमेश्वर धाम प्राचीन शिव मंदिर है और पुरातत्व विभाग के वर्तमान में अधीन होने के कारण अभी उसमें ताले हैं, जो साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि पर्व पर खोले जाते हैं। और स्थानीय लोग काफ़ी लंबे अरसे से यही मांग करते आ रहे हैं कि सोमेश्वर धाम के ताले खोलना चाहिए, और इस मांग का हम कितनी बार गए हो सोमेश्वर धाम मंदिर में? सावन के हर सोमवार को हमारा जाना होता है और बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं वहाँ पर। पहले 3-4 साल पहले तो हम प्रतिदिन जाते थे, जहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो अभी शांत हो गए हैं, उनके साथ तो हम नियमित तौर पर पूजा अर्चना करने जाया करते थे। और अभी सावन के महीने में हम जाते हैं। कितने लोग रोज जाएंगे मंदिर में? देखिए, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में कोई आप संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। अगर ये प्रतिदिन ताला खुलेगा तो हजारों की संख्या में जो भगवान शिव को मानते हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमारा सोमेश्वर धाम भी काफी प्राचीन मंदिर है, इसको भी प्रतिदिन खोला। व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा हर चीज की होगी, अमरनाथ पे भी तो सुरक्षा है, लाखों श्रद्धालु जाते हैं, तो सुरक्षा के लिए क्या, सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था की जाए, गार्ड तैनात किए जाए। अमरनाथ तो सिर्फ साल में एक ही बार होता है, यहाँ तो आप रोज खोल नहीं कह रहे हैं, तो क्या होगा जो अगर लगातार प्रतिदिन खुलेगा तो सुरक्षा व्यवस्था भी होगी,